आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यूरोटेक में। सो गाइस, इस बार मैं आप लोग के लिए लाया हूँ सैमसंग एलईडी का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो 32 इंच का एलईडी टीवी है हमारा। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। जो आपको दिख रहा होगा हमारे पास जो एलईडी है, सो गाइस इसके बॉक्स पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखते हैं। यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दिख जाता है गाइस, ये हमारा सैमसंग एलईडी का ब्रांडिंग है, जो कोरियन कंपनी है गाइस, आप जानते होंगे। और गाइस ये एचडी टीवी है हमारा, ना कि 4K टीवी है। और गाइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये स्मार्ट टीवी है, प्रोवाइडेड बाय टाइजन। स्मार्ट टीवी है प्लस गाइस यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है उसका नाम टाइजन है। सो गाइस टाइजन में भी आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब, मतलब एंड्रॉयड के जैसा ही है गाइस, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी गाइस ये टाइजन द्वारा प्रोवाइडेड है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टाइजन ही यूज किया गया है। और गाइस ये T4 सीरीज का सैमसंग एलईडी टीवी है 34 इंच का, जिसमें आपको रिमोट कुछ एंटिक दिखते हैं और इसके अंदर के फीचर्स कुछ चेंज किए हुए हैं, जो आपको मैं अभी इसे ऑन करके सब कुछ बकायदा दिखा दूंगा पर्टिकुलर वन बाय वन करके। सो गाइस हम इसे इसके बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या सामान मिलते हैं और उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। सो गाइस हम मेरे साथ बने रहिए और हम अपने एलईडी को उसके बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं। सो गाइस बॉक्स को ओपन करने के बाद जो जो सामान हमें मिलते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। हमें यहाँ पे क्विक सेटअप गाइड बुक मिल जाता है, जिसमें आपको इसके टेबल स्टैंड को फिटिंग करने का दे देता है यहाँ पे ऑप्शन, और इसके स्क्रू कैसे लगाते हैं, दीवार वाले स्टैंड के स्क्रू भी यहाँ पे सभी यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, और यहाँ पे हमें इसका टेबल स्टैंड मिल जाता है, देख लीजिए आप यहाँ पे टेबल स्टैंड है, इसका स्क्रू इसके साथ ही है। और गाइस हमें यहाँ पे एक इसका पैकेट मिलता है और इसके अंदर हम इसे खोलेंगे, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो गाइस पैकेट खोलने के बाद आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे इसका अडेप्टर दिख जाएगा, अडेप्टर हम निकालेंगे यहाँ से, ये पावर अडेप्टर मिल जाएगा गाइस यहाँ पे, देख लीजिए आप ये पावर अडेप्टर है जिससे हमारा एलईडी चालू होगा। और यहाँ पे आपको सेल मिल जाता है, देखिए यहाँ पे गाइस आपको रिमोट का सेल मिल जाता है दो का, और यहाँ पे आपको केबल का एक सॉकेट दे देता है गाइस, जिसके पास केबल है वो उनके लिए यूज़ के लिए। और यहाँ पे गाइस हमारा रिमोट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ इस प्रकार से इसकी पैकिंग आती है। यहाँ पे आपको इसका सभी फीचर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे इसको दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इसे ऑन ऑफ करने का बटन है, नेविगेशन कीज है, यहाँ पे दिख जाएगा गाइस। यहाँ पे पर्टिकुलर नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और G5 का पर्टिकुलर एक बटन दे दिया है गाइस, ये काफ़ी अच्छा रहता है गाइस, फटाफट आप यहाँ पे से दबा के जा सकते हैं गाइस। अभी हम इसे चेक करेंगे, अभी हम गाइस आपको बता दूँ यहाँ पे इसका आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाता है, इसमें है आपका ये वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल है गाइस, इसे आप देख लीजिए जो भी आप पढ़ेंगे, इसी में आपका वारंटी कार्ड भी रहता है गाइस। अभी हम अपने एलईडी को चालू करेंगे गाइस, प्लगिंग करते हैं और इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। सो गाइस चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पीछे के जो कनेक्शंस हैं इसमें आपको इसकी एक लैन दे देता है, और यहाँ पे एक आपको डिजिटल ऑडियो आउटपुट दे देता है, यहाँ पे ऑप्शन है। और यहाँ पे जो एंटीना, अगर आपका एंटीना है तो आप डायरेक्ट एंटीना यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे दे देता है। बाकी यहाँ पे आपका वीडियो का केबल और ऑडियो का केबल दे देता है, और उसके साइड में दिखाता हूँ गाइस आपको, तो मैं यहाँ पे आपको गाइस दो HDMI के आउटपुट दे देता है, इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे एक आपको USB केबल दे देता है, USB सॉकेट दे देता है यहाँ पे आपको एक, और यहाँ पे गाइस आपका पावर सोर्स का बटन जो लगेगा, केबल अडेप्टर, वो यहाँ पे लग जाएगा। सो गाइस अभी हम अपने LED को ऑन करते हैं। सो गाइस हम अपने LED को अभी ऑन करेंगे, प्लगिंग करने के बाद गाइस हमने बटन दबाने के बाद हमारा चालू होता है TV, स्मार्ट TV प्रोवाइडेड बाय टाइजन लिख के आता है गाइस, तो यहाँ पे बफरिंग हो रहा है गाइस।
सो गाइस वेलकम लिख के आ गए हैं यहाँ पे और आपको रिमोट का सेक्शन दिख जाता है गाइस। इस एलईडी में गाइस आपको एक इस जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे रिमोट, उस प्रकार का भी एक रिमोट आपको लगेगा गाइस इसमें, वो मिल जाएगा गाइस आपको अलग से, या फिर आपके एलईडी में भी आ सकता है गाइस। किसी एलईडी में ऐसा रिमोट आएगा तो किसी एलईडी में गाइस जो उस स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस वैसा रिमोट आएगा गाइस। वो रिमोट ज़्यादा ही अच्छा है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गाइस उसमें वॉइस कमांड दे देता है जिससे हमारा गूगल असिस्टेंट काम करता है। सो गाइस अभी हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश हमारा लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। कुछ सेटिंग्स है गाइस, इसे सब एग्री करते जाना है आपको। सो गाइस यहाँ पे आपको एक अपना वाईफाई कनेक्ट करना है। यहाँ पे गाइस हमारा दिख रहा है क्यूरीटेक, ये हमारा वाईफाई है। अभी हम अपना पासवर्ड डालेंगे। गाइस चलने में काफ़ी बहुत ही अच्छा है ये गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है, रिमोट की क्वालिटी तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है, स्मूथनेस बहुत है गाइस इसमें, इस रिमोट की क्वालिटी में ना बहुत ही स्मूथनेस है। सो गाइस वाईफाई कनेक्ट करके हम अपना यूट्यूब चलाएंगे इसमें और देखेंगे हमारे पिक्चर की क्वालिटी और वॉल्यूम देखेंगे आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। सो गाइस आप रिमोट चेंज करके लीजिए, आप कंपनी में बात करके लीजिए, देख के लीजिए आप अगर एलईडी मंगा रहे हैं तो, क्योंकि हमारे एलईडी में कुछ इस प्रकार के रिमोट आए हैं तो आपको वो रिमोट रहेगा तो काफ़ी ही अच्छा रहेगा। सो गाइस जो भी टर्म एंड कंडीशन मांगे आपको एग्री करके जाना है। ओके यहाँ पे आपको अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा गाइस। सो गाइज ये है हमारा टाइजन, जिसमें इसमें जो सैमसंग में जो सिस्टम काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है टाइजन, जिसमें आपको ऑलरेडी बहुत ही कुछ मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे रिपब्लिक भारत और भी चैनल, बहुत सारे चैनल आपको ये सब मिल जाते हैं कम बजट में गाइज। अगर आपको ब्रांड में कोई टीवी लेना है गाइज तो ये टीवी बेस्ट है सैमसंग की। अगर गाइज इस टीवी को आपको बाय करना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख शेयर किया हुआ है, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइज क्लियरिटी, हम देखेंगे पहले अपने इसमें, हम अपने यूट्यूब पे जाते हैं। सो गाइस कुछ ऐसे ही प्रकार के सेटिंग्स रहेंगे जो आपको करने पड़ेंगे, आप कर दीजिए उस सभी को एग्री कर दीजिए अपने हिसाब से। सो गाइस ये रहा हमारा यूट्यूब चल रहा है हमारा गाइस, यहाँ पे हमने 4K 8K अल्ट्रा HD वीडियो लगाया हुआ है, बट
हमने 4K सर्च मारा था। सो गाइज आप इसकी क्लियरिटी पता चल जाएगी गाइज, HD TV जो हमारा। सो गाइज ये रहा LED TV हमारा। सो गाइज क्लियरिटी में बहुत ही बवाल टाइप है गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्लियरिटी में कोई कमी नहीं गाइज। अगर इसकी वॉल्यूम की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत ही वॉल्यूम की क्वालिटी भी गाइज, वॉल्यूम का क्वालिटी बहुत ही अच्छी दे दिया है। सो गाइज टीवी में किसी प्रकार की कमी नहीं है गाइज। अगर आप टाइजन को नहीं जानते, टाइजन के बारे में आप गूगल पे सर्च मार के पढ़ सकते हैं गाइज, फुल एंड्रॉयड जैसा ही रहता है गाइज, सेम एंड्रॉयड ही जैसा। और गाइज आपको रिमोट का, इसमें दूसरा रिमोट लेना ही पड़ेगा गाइज, क्योंकि इसमें वॉइस नहीं है जिससे कमांड दें हम। सो गाइज आप रिमोट चेंज करके लीजिए। सो गाइज बाकी फीचर्स मैंने आपको बता दिए इस LED के, बस गाइज आपको देखना है इसमें कि रिमोट आपको कौन सा लेना है, क्योंकि गाइज इसमें ये रिमोट नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें गाइज एलेक्सा ऑपरेटिंग रिमोट नहीं दिया हुआ है, माइक वाला रिमोट। सो गाइज आपको वो वाला रिमोट ही लेना पड़ेगा जिसमें एलेक्सा ऑपरेटिंग रिमोट है, क्योंकि इस टीवी के लिए वो रिमोट लोगे गाइज तो बहुत ही आपको बेहतरीन लगेगा, यूज़ करने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये टीवी बाय करनी है तो आप इस टीवी को बाय कर सकते हैं। टीवी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी दे दिया है, इसकी वॉल्यूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैनल IPS पैनल है, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस अगर आपको टीवी बाय करनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रखा हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जाके इस टीवी को बाय कर सकते हैं। सो गाइस इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।